भैया ऐसा कर दो कि अभी के लिए जल जाए बस, वरना बवाल खड़ा हो जाएगा इस घर में। अरे कर तो रहा हूँ मैडम, अगर आपको इतनी ज्यादा इमरजेंसी है तो बाहर से मंगा लो खाना आज। बाहर से? अरे भैया क्या, अरे किचन में नाश्ता बना रही हो कि खुदाई कर रही हो? आवाज बाथरूम तक जा रही है। अरे चूल्हा ठीक करवा रही हूँ, और क्या हो गया भैया? अरे ये नहीं हो पाएगा जी। क्यों, क्या हुआ इसमें? क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नोजल जाम पड़ी हुई है, जंग लगा पड़ा, बर्नर पर बचा क्या है इसके अंदर? सर्विस नहीं कराते सही टाइम पे? अरे करा तो ले भैया, लेकिन कोई से लेके जाए तो ना। मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ, दफ्तर में लोग थर थर कांपते हैं मुझसे, और तुम चाहती हो ये चूल्हा लेकर दर दर भटकूं? अरे भाई साहब दर दर भटकने के लिए कौन कह रहा है, हर दूसरे दिन आता हूँ मैं, मुझे बुला लिया करो, मैं कर दिया करूंगा। अरे करवाना बड़ी बात नहीं है भैया, लेकिन फिर उसके बाद 100 ताने सुनने को मिलते हैं कि अपनी मर्जी से कुछ भी करवा लिया जाता है। तो करवाती नहीं हो अपनी मर्जी से कुछ भी? क्या करवाया मैंने? दरवाजे पे घंटी अपनी मर्जी से लगवाई, मीटर का लोड अपनी मर्जी से बढ़वाया, फर्श में पत्थर अपनी मर्जी से लगवाया, दीवार पे रंग अपनी मर्जी से करवाया, अब और क्या चाहिए? अरे भाई साहब ये चीजें तो घर की शोभा बढ़ा रही है आपकी। ज्यादा बोला तो टांग पे टांग रख के चीर दूंगा अभी। अच्छा कोई तुम्हारे खिलाफ जाएगा तो तुम उसकी टांग चीर दोगे? है जिम्मे में एक काम नहीं लिया जाता तुमसे, और अकड़ देखो दुनिया भर की दिखाते रहते हो। अरे भाई साहब बहुत किस्मत वाले हो जो इतनी जिम्मेदार बीवी मिली है, मेरी बीवी से मिल लिया ना घबरा जाओगे, 24 घंटे पैर पसारे पड़ी रहती है, एक चम्मच तक नहीं उठाती वो। अरे ठीक है ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, अभी ये बताइए चूल्हा कामयाब होगा या नहीं? भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ इसे निकाल के ऑटोमेटिक ले लो। क्या बात कर रहे हो भैया? क्यों क्या हो गया? अरे ये जो चूल्हा है ना, यही जिसको आप ठीक कर रहे हो, शादी में लेकर आई थी मैं अपनी, 30 सालों में नहीं बदला, और बात कर रहे हो ऑटोमेटिक लेने की। तो ऑटोमेटिक लेना ही क्यों है? अरे भाई साहब भाभी जी वो नहीं कह रही थी वो क्या कह रही है वो सब मैं जानता हूँ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अरे भैया छोड़ो ना, इनसे क्यों बकवास कर रहे हो, तुम इसका देखो कुछ हो सकता है तो। कुछ ना कुछ तो कर दूंगा, काम चलाऊ बना दूंगा इसे। खर्चा? खर्चा यही आ जाएगा 800-900 रुपए। 800-900? ये तो बहुत ज्यादा है। अरे मैडम इसमें बचाई क्या, बॉडी बॉडी बची है, बाकी सब तो चेंज होगा, उसके तो पैसे दोगी आप? 1250 का तो नया चूल्हा आ जाएगा। अरे तुम ना नया ही चूल्हा ले लो फिर। अरे रे रे, रुको 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 भैया, ठीक है जो करना है कर दो। पैसे? पैसे मैं दे दूंगी, तुम बस अपना मुंह बंद करके खड़े रहो। जाएंगे तो मेरी जेब से ही। तो भाई साहब गारंटी वाला काम करता हूँ, चलता फिरता काम नहीं करता, दोबारा शक्ल नहीं दिखानी क्या भाभी जी मैंने आपको? बात बनाने के अलग से पैसे लेता है क्या? अरे आपसे बात ही कौन कर रहा है, मैं तो भाभी जी से बात कर रहा हूँ। अरे भैया तुम छोड़ो इन सबको, तुम अपना काम करो ना। माचिस? नहीं है माचिस। अरे बीड़ी बीड़ी नहीं पीते आप? एक ग्राम विकास अधिकारी कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। अरे भैया ये पकड़ो लाइटर, इससे चलाओ। अरे क्या हो गया इसमें? यही है काम की गारंटी? ओ भैया ओ। अरे तुम चुप तो हो जाओ, क्यों बीच में बार बार कूद पड़ते हो? अभी वो यही है ना, कहीं गया तो नहीं, करने दो उसको जो कर रहा है। ठीक है आज का तो नाश्ता भी ऐसा ही। बस तुम्हें तो अपने नाश्ते की पड़ी रहती है, यहाँ पे चूल्हा ठीक नहीं होके दे रहा। अरे चुप हो जाओ दोनों, दिमाग का दही कर दिया है, जब से यहाँ बैठा हूँ टाइट 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 बोले जा रहे हो, दिमाग यहाँ लगा रहा हूँ, कान तुम्हारी तरफ भग रहे। सॉरी भैया, तुम करो अपना काम, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। सिलेंडर चेक किया था? ऐसा तो नहीं है कहीं गैस खत्म हो गई हो? दिन रात सिलेंडर ही चेक करती रहती हूँ उस सीताराम के लफड़े के बाद। इसमें पहले भी कोई दिक्कत आई थी क्या? अरे दिक्कत कब नहीं होती भैया, ये तो मैं हूँ जो इसे खींच रही हूँ। अच्छा रोज रात को जब मैं दूध गर्म करता हूँ तब तो कोई दिक्कत नहीं होती? इस पे तुम दूध गर्म करते हो हैं? तभी तो बर्नर पे गेड़ देते हो गए। और नहीं तो क्या, ये तो इनका रोज का काम है। तभी बर्नर खराब हो गया। हाँ पता है खराब है, अब ये बताइए ठीक हो पाएगा या नहीं? अरे उसी काम में तो लगा हुआ है वो आदमी, पर तुम किसी को चैन से काम भी मत करने देना। तो भाई साहब सर पे खड़े होकर काम नहीं होते। ये बात इन्हें कहाँ पता होगी भैया, ये तो बस डंडे के जोर पे काम करवाना जानते हैं। कह तो ऐसे रही है जैसे कितने डंडे पड़े हों। इधर मुँह करके बोलो ना, उधर मुँह करके क्या भुनभुना रहे हो? ये पाइप कब बदला था आपने? अरे मुझे नहीं पता, मैंने हर चीज का ठेका नहीं ले रखा है, जिससे खाना खाना है जिसे नाश्ता करना है वो बताइए, सब हर समय मेरा ही दिमाग क्यों चाटा जाता है? भाई साहब क्या है? मेरे हिसाब से तो हो गया जी। हो गया? जला के देख लो, और ये जो लाइटर है ना आपका ये खराब है। माचिस देना। अरे अरे भाई साहब पीछे कहाँ जा रहे हो, यहाँ बर्नर जलाओ ना। लीकेज चेक नहीं करूं? अरे भैया करने दो वो जो कर रहे हैं। अरे पागल औरत रेगुलेटर लीक कर रहा है। अरे रेगुलेटर लीक कर रहा है तो माचिस तो बुझा। Mm-hmm.
गैस चूल्हा ठीक करा लो।